डॉक्टर की लापरवाही हिला भाली की वजह से दर्द से कराती रही प्रसूता और अंत में हो गई जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों में हड़कंप, परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर आरोप। मामला जनपद हमीरपुर के गोहान स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर नहा दौरा की एक प्रसूता महिला डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र गोहान पहुंची, जहां पर नर्सों ने पहले पैसे की मांग की। इसके बाद नर्सों ने हिला बहाली करना शुरू कर दिया और कहा कि डिलीवरी में अभी वक्त है। जब प्रसूता का दर्द बढ़ा तो परिजनों ने स्टाफ से जाकर डिलीवरी करवाने के लिए कहा, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की नर्सों ने आकर प्रसूता को थप्पड़ जड़ दिया और बोला, दर्द करने का बहाना कर रही हो। रात भर प्रसूता तड़पती रही और नर्स आराम से सोती रही। सुबह 5 बजे एक बच्चे को जन्म दिया, जो जन्म लेने के तुरंत बाद ही मर गया। प्रसूता की हालत बिगड़ती देख नर्सों ने उसे वहां से टरकाना ही उचित समझा और रेफर कर दिया। प्रसूता की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर आरोप लगाया कि पैसों की वजह से उन्होंने लापरवाही की, जिसकी वजह से बहू की मौत हो गई। परिजनों का हंगामा देख स्टाफ ने वहां से खिसक लिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब डॉक्टरों के द्वारा पैसा मांगने की बात सामने आई है, लेकिन अधिकारियों की ढील की वजह से यह लोग दिन व दिन अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से इन्हें मोटी रकम तनख्वाह के रूप में मिलती है, फिर भी भ्रष्ट कर्मचारियों का पेट नहीं भरता और जिसकी वजह से कई बार मरीजों का जान भी गंवानी पड़ती है। अब देखना है इसमें क्या कार्रवाई होती है, या सीएमओ अपने स्टाफ को बचाने के लिए कोई बहानेबाजी करेंगे या फिर उन पर कार्रवाई होगी। क्या नाम है चाचा आपका? मोहन प्रसाद। क्या घटना घटी है? हमारी बहू सोनम को गोहान अस्पताल ले गई, इनकी अलगर्दी से हमारी बहू खत्म हो गई वहाँ पर। किस चीज़ के लिए ले गए थे? डिलीवरी के लाने ले गए थे। इन लोगों ने लापरवाही रात भर करी, रात भर नहीं आएगी हमारी वहाँ, हमें रोका था कि नहीं सब हो जाएगा सब हो जाएगा, वो आई बिल्कुल नहीं है रात भर। तो सुबह हमारी बहू बच्चा ख़त्म हो गए, तो बहू को रेफर कर दो बाद में, तो हम वही ले गए तो वही हम नहीं पहुँच पाए। क्या लापरवाही दिखाई गई उन लोगों ने? जी देखे कि बोला है कि लाने आई नहीं है जी नर्सें, को बोली अभी अभी तो बहुत टाइम है, अभी नहीं है, जान दो सो रही सोती नहीं, और पैसा के लाने फिरती नहीं कि कुछ पैसे दो तो हमने बता दो तो नहीं भंगन के कि तुम ही बात कर लियो, कितनी ले सो हम दे रहे हैं, ये तो हम दे दें पैसा, तो हमसे बात नहीं करी उनने, नहीं भंगन के काट रही जी कि वो पैसा रुपये दो हमने की रुपया जाए जितने लग जाए सब सच हमारी बहू आ जाए, हमें रुपया से कोई मतलब नहीं है। तो डेट होने का मुख्य कारण क्या है? लापरवाही, पैसा हमने नहीं दिया तो इनने लापरवाही की, और लापरवाही इतनी नहीं की, ये 12 बजे से ये हमारी बहुएँ जितनी हैं सब जाती नहीं कि दीदी चलो दीदी चलो, दीदी झाँक लगाती नहीं कि अभी नहीं होना है जाओ तुम, जो तो साबित बात है कि ये नहीं आई है। 5 बजे आई थी दीदी, तो 5 बजे इन्हें बताया हमको कि हो जाएगा कोई काम, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे तक होगा तो हम ही 10 बजे होगा जब होगा, बच्चा हमारा ख़त्म हो गोहान अस्पताल में। इसके बाद बहू की तबीयत खराब भाई, तो इन लोगों ने इलाज किया जैसे तैसे और सीधे रेफर किया, और रेफर करके हमें वो रही के लिए रेफर कर दिया, रात को भी किया, तो हमें मुश्किल में हमें घाटा 1 घंटा हमें यही में लग गए, और हम वहाँ पहुँचे तो अस्पताल हम नहीं पहुँच पाए, और रही हमारी सोनम बहू। क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह। कौन से गाँव से? नहनौरा गोहान ब्लॉक। क्या घटना घटी है? घटना ये है, हमारे परिवार चाचा की लड़की बहू थी, उसको प्रथम डिलीवरी थी, तो वहाँ ले गए 108 नंबर कॉल करके, वहाँ पर आशा और साथ में 4-5 हमारी मैसेज और वगैरह सब लोग गए, तो मैडम ने बोला कि अभी 3-4 घंटे बच्चे नहीं होना है अभी, यह है कुछ। इसके बाद धीरे धीरे दर्द बढ़ा, तो हमने कहा मैडम बताओ दर्द हो रहा है, तो उन्होंने अंदर जाके एक दो तमाचा मारी बहू को, कह रहे तुम बहुत दर्द है, चिल्लाती बहुत दर्द होता है, तो हमने कहा बहू रो रही है क्या दिक्कत की? बोले रोने दो, तुम क्या जानो महिलाओं के बारे में, हमने कहा तो हम जहाँ से ले जाएँ या कहीं, बोले पैसे वाले होते हैं पैसे कर लो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, उन्होंने पैसा ऐसा मांग की, तो हमने कहा हमने कहा देख लो अगर बन जाए तो अच्छी से डिलीवरी हो जाए पैसा दे दो, पैसा देने की चक्कर में किससे पैसे मांगे? हमसे मांगी, चाचा से मांगी, और किसने पैसे मांगे? ज्ञान देवी है एक वहाँ पर हेड मैडम, मोटी मोटी हैं उनको जानती नहीं, हमसे भी कहा कि भाई पैसा खर्च होता ही है। इसके बाद
जब बिल्कुल लस्ट पड़ गई तो सुबह 5:05 बजे बच्चा हुआ और बच्चा बिल्कुल फंस गया, रोने लगी, लस्ट पड़ गई तो जगाया। बोले रात भर परेशान करोगे क्या? देखा तो बोले आपका बच्चा तो बहुत परेशान है। बच्चे को उन्होंने निकाला जैसे भी करके, बच्चे को जीवित बच्चा था, उनकी लापरवाही से बच्चे को देखते नहीं बच्चा खत्म हो गया। यहाँ बहू को हमारी ब्लीडिंग शुरू हो गई और इतनी हालत ख़राब हो गई कि बहू बिल्कुल धुन पड़ने लगी। तब कहने लगी, हमने कहा हाथ जोड़ा, हमने कहा बता दो आपकी बस की बात ना हो तो हमें रेफर कर दो। बोले इतने टाइम कौन सा डॉक्टर देखेगा, यहीं पर सही हो जाओगे। और फिर कहा बच्चा ख़त्म हो गया और हम रास्ते में ले गए तो बहू भी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने रेफर लेट बनाया, रेफर इतना लेट बनाया कि बच्ची बहू ने वहाँ बोलने बंद कर दिया, रेफर बनाया।